डेली टेक न्यूज़ के एक और एपिसोड में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर, आप देख रहे हैं यूपी टेक। जस्ट बार लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। और यहाँ पर आज कुछ कमाल की टेक न्यूज़। अब लास्ट फ्राइडे मैंने आपको बताया था ज़्यादा टेक न्यूज़ निकल कर फ्राइडे को नहीं आती, और आज भी ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, बहुत थोड़ी सी न्यूज़ है, लेकिन जितनी भी न्यूज़ है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहली न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो सैमसंग की तरफ से कि हो सकता है सैमसंग इस साल एक फोल्डेबल स्मार्टफोन निकाले जिसकी आपको 3 स्क्रीनें मिलेंगी। और एक पब्लिशर के मुताबिक कहा जा रहा है कि तीनों स्क्रीनों का जो साइज़ होगा वो 3.5 का होगा, और ये बनकर 7 के टैबलेट बनेगा। अब एक चीज़ की मुझे यहाँ समझ नहीं है कि 3.5 की स्क्रीनें किस तरह बनकर 7 का टैबलेट बनेगी, लेकिन फोल्डेबल स्मार्टफोन आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेंगे। यार आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग फोल्डेबल स्मार्टफोन में इंटरेस्ट रखते हो? अभी तक जितने भी इस तरह के डिवाइसेज आई है, जितने भी रेंडर्स वगैरह आए हैं, पर्सनली मुझे तो अच्छे नहीं लगे, लेकिन आप लोग बताओ आप लोग का क्या कहना है इस बारे में। अगली न्यूज़ जब वो निकल गई है टेलीनॉर की तरफ से, और टेलीनॉर ने इंट्रोड्यूस किया 24 घंटे सेल्फ सर्विस बूथ को, कुछ इस तरह के जो ये बूथ लग रहे हैं, मुझे बड़ी कमाल का एक कॉन्सेप्ट लगा है। इससे कस्टमर्स को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, उनके काम जल्दी हो जाएंगे। जो काम इनके ऊपर हो सकते हैं वो ये कि सिम रिप्लेसमेंट हो सकती है, नई सिम परचेज कर सकते हैं, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो पैसे भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं ईजी पैसा के थ्रू। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है टेलर की तरफ से, एक बड़ा अच्छा स्टेप है इस तरह के बूथ को लॉन्च करना, हर शहर में और ज़्यादा कंपनीज करें तो बड़ा फ़ायदा रहेगा। अगली जो न्यूज़ है वो व्हाट्सएप की तरफ से निकल के आ रही है। व्हाट्सएप एक नया फीचर निकल रही है जिसका नाम है सेव वॉइस रिकॉर्डिंग। अब नॉर्मली ये होता है कि जब व्हाट्सएप के वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और अचानक से कोई कॉल आ जाती है, वो तो वॉइस रिकॉर्ड डिलीट हो जाती है। अब ये होगा कि आपकी वो वॉइस रिकॉर्ड सेव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, अचानक से कोई कॉल आ गई है तो वो डिलीट नहीं होगी बल्कि सेव हो जाएगी, ताकि आप वहाँ से उसको रिज्यूम कर सके। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी यूजफुल फीचर रहेगा। अगली न्यूज़ जब स्नैपचैट की तरफ से निकल के आ रही है, स्नैपचैट अनवील कर दी अपने स्पेक्टेकल्स वर्जन नंबर 2। अब इसके बारे में मैंने कल बात की थी कि हो सकता है इस हफ्ते में ये लॉन्च हो जाए, लेकिन कल ही स्नैपचैट ने इनको लॉन्च कर दिया, और ये देखने में बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। मुझे पर्सनली कॉन्सेप्ट भी बहुत पसंद है, आई होप पाकिस्तान के अंदर भी ये आए। अगली न्यूज़ जो है वो सैमसंग की तरफ से निकल के आ रही है। सैमसंग जो है वो गैलेक्सी A सीरीज़ के ऊपर एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट भेज रहा है। अब इसके अंदर गैलेक्सी A सीरीज़ की 2017 के वर्जन शामिल है और 2018 के वर्जन शामिल है, लेकिन 2016 के वर्जन को एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट नहीं मिलेगा। अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो LG की तरफ से LG G6, G5 और V20 को ओरियो अपडेट दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि ज़्यादा डिवाइसेस को ओरियो अपडेट मिल रहा है। अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो एप्पल की तरफ से, एप्पल का सॉफ्टवेयर iTunes वो अवेलेबल हो गया माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ के स्टोर के ऊपर, विंडो 10 के स्टोर के ऊपर, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि विंडो स्टोर वाली एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए, नहीं तो आप उसके स्टैंडर्ड और डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ़ायदामंद उन्हीं के लिए जो आईफोन यूज़र्स हैं। तो ये थी कुछ आज टेक न्यूज़। मुझे पता बहुत ही छोटी वीडियो थी, ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, और फ्राइडे को बहुत ही कम न्यूज़ होती है। यार आप लोग अगर बताओगे कि फ्राइडे को कोई न्यूज़ के अलावा कोई कॉन्सेप्ट लेकर है, कोई नई तरह की एपिसोड लेकर है, या तो थोड़ी बहुत न्यूज़ है उन्हीं के साथ गुजारा करें, आप लोग बताओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में। मैं बिल्कुल आपसे अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए 7 और 9 वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं कल मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।